हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। और आज बड़े दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं आज मनाली। और हम निकले थे सुबह 6:48 पे और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं कुंडली, सिंगू बॉर्डर कुंडली हम लोगों ने क्रॉस किया है, ठीक है। और अभी टाइम हुआ है, एक मिनट रुकेगा मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम हुआ है 7 बज गए हैं ये देखिए। और 7 बजे हम कुंडली को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये पार्कर मॉल है जो हम क्रॉस कर रहे हैं, उधर से सन निकल रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। और आज हम बच्चों के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो गाड़ी चलाने वाला मैं खुद आज अकेला हूँ, काफ़ी लंबी ड्राइव है, तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास यहाँ से पड़ेगा मनाली, और हमें उससे भी थोड़ा ऊपर जाना है। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे हम, और मिलते हैं फिर रास्ते में। बीच बीच में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ हम रुक रहे हैं, कितना टोल लग रहा है, कोशिश करूंगा सारी इन्फॉर्मेशन इस रास्ते की आपको दूं। तो प्लीज़ बने रहिए व्लॉग के साथ में और देखते रहिए एक्सप्लोर विद विक्की। तो देखिए हम पहुंच गए हैं मुरथल, और हम यहाँ कोई हॉल्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी घर से निकले हैं, तो अपना दूध वूध पी के अपन निकले थे। मगर ये मुरथल पहुंच गए हैं, सारे ढाबे यही हैं। आप लोगों को अगर रुकना है, रास्ते में कोई अच्छा सा खाना खाना है, तो आप लोग यहाँ पे एक होटल ले सकते हो। और बाकी मेरे ख्याल से लोग रुकते ही हैं यहाँ पे यार, बहुत सारे, ठीक है। आगे भी बहुत सारे ढाबे हैं, आप जिस तरफ देखोगे यहाँ ढाबे ढाबे आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पहुँचने में हमें सिंगू बॉर्डर से लगे सिर्फ 10 मिनट। ये दूरी है समवेयर अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास की दूरी है सिंगू बॉर्डर से यहाँ तक तकरीबन। और यहाँ हमें लगे हैं सिर्फ 10 मिनट पहुँचने में। तो पहले 20 मिनट में हम 23 मिनट में अपन कर रहे हैं पहला टोल क्रॉस, और ये टोल है हमारा मुरथल वाला। और कितना पैसा है भाई देख के बताता हूँ, आना जाना तो कई बार होता है मगर ध्यान कभी नहीं दिया कि कितना पैसा है यहाँ पे। और यहाँ लगेंगे हमारे 115 रुपये। लाइन बड़ी लंबी है भाई, लाइन लंबी है। चलिए 115 रुपये का टोल है, इस टोल को देके अपना आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू रखते हैं अपने सफ़र को। और प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, जो नए हैं, जो नए लोग देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट कि आप हमारे सारे वीडियोस लगातार देखते रहें और आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अब हम पहुँच गए हैं पानीपत। जी हाँ, पानीपत क्रॉस कर रहे हैं अभी इस टाइम पर हम लोग, और हमें लगे हैं सिंगू बॉर्डर से यहाँ पहुँचने में 44 मिनट्स। तो तकरीबन ये दूरी है 60 किलोमीटर की, और हमें इसमें 44 मिनट लगे हैं। इस रोड की अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज स्पीड है वो है 100, तो हम भी वही 90-100 के बीच में रहे हैं इसमें। और पानीपत का जो ये फ्लाईओवर है इसके ऊपर जो स्पीड है वो है 90, तो ये थोड़ा ध्यान से चलना क्योंकि रास्ते में मिलते हैं, चलान कटते हैं, तो उससे बच के रहना। और दूसरा सेफ भी चलना है, 100 की स्पीड बड़ी अच्छी है, अगर डिसाइड की गई है तो ये सोच के डिसाइड की गई है कि बंदा सेफ़ रहे इसमें। और इसके बाद आएगा पानीपत टोल, तो वहीं पे दिखाता हूँ कितने का टोल है। तो हम अपना दिन का दूसरा टोल क्रॉस कर रहे हैं, और ये है पानीपत टोल, और इसकी जो कॉस्ट है वो टोल लग रहा है यहाँ पे 40 रुपीज़ का। तो ये हमारा सेकंड टोल था, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती रहेगी। और ये आता है सिंगू बॉर्डर से तकरीबन 65 किलोमीटर के बाद में, दिस इज द सेकंड टोल। और ये हमारा आज का है थर्ड टोल, घरोंडा टोल है ये,
और यार ये सच में यार मतलब पानीपत के बाद में ये वाला टोल तो ना फटाफट आ जाता है। पानीपत टोल है मतलब ये कुल मिला के 20-22 किलोमीटर के बाद में ये वाला टोल आ गया। और इस टोल की जो वैल्यू है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, जो टोल टैक्स यहाँ पे लगता है दैट इज़ 185 रुपीज़, तो इट इज़ लाइक पैथेटिक है यार, बहुत ज़्यादा है यार। तो भाई अब हम पहुँच गए हैं करनाल, वी आर क्रॉसिंग करनाल, और ये सिंगू बॉर्डर से तकरीबन हमें पड़ा 96 किलोमीटर के आसपास, और हमें जो टाइम लगा वो टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा 18 मिनट। ठीक है, रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड, ठीक है, तो आराम से आप आइए, आराम से गाड़ी चलाइए, इन्जॉय कीजिए। ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। हम पहले कोशिश कर रहे थे कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग सोच रहे थे थोड़ा निकल जाएँ, हम सोच रहे थे 5 बजे निकल लेंगे, मगर वो निकलते निकलते हम लोगों को 7 बज गए। खैर एनीवे, रास्ता अभी भी खाली मिल रहा है, और हमें जो मनाली तक पहुंचने का जो टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 4:29, बट पता नहीं आज वहाँ पहुँचेंगे या रास्ते में रुकेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि भाई, क्योंकि गाड़ी मैं अकेला चला रहा हूँ और इस वजह से अगर कहीं थकान हुई तो फिर वहीं स्टे करेंगे, बच्चे साथ में, बिल्कुल भी परेशानी नहीं लेंगे, कोई एग्जर्शन नहीं लेंगे, कोई भागा दौड़ नहीं। अगर चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक रही तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर थकान होती है, लगता है कि हमें स्टे करना है, तो या तो सुंदरनगर या कुल्लू मनाली या जहाँ भी मन करेगा फिर वहाँ पे स्टे कर लेंगे। बने रहिए आप चैनल के साथ में। तो जी हम अब क्रॉस कर रहे हैं अम्बाला सिटी, और ये है 180 हम लोगों को पड़ी, और इसमें से 5 घटा लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 175 फ्रॉम सिंगू बॉर्डर, और यहाँ पहुँचने में अभी टाइम हो गया 9:21, तो तकरीबन 2:21 में हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और अब आगे बढ़ते हैं, रास्ता बहुत स्मूथ है अभी तक। हाँ बहन जी, पहले आप बोल लो, चलो कोई बात नहीं, इसका भी ज़रूरी है ना, इसी के सहारे तो चल रहे हैं, रास्ता भी तो यही दिखा रही है हम लोगों को ढंग का। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अभी तक हमने कोई ऐसा मेजर स्टॉपेज नहीं लिया है, तो बीच में नेचर को लेक आई थी तो 5-7 मिनट के लिए रुक गए थे, ठीक है, मगर मेजर स्टॉप अभी तक हमने नहीं लिया है। सोच रहे हैं आगे जाके एक जगह चाय पियेंगे, तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास में या 250-300 के बीच में सोचते हैं। ठीक है, आप देखते रहिए चैनल को। हाईवे पे ना थोड़ा सा जाम दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने अंदर से, गांव के अंदर से हमें मोड़ दिया, तो मतलब गूगल ने, हम भी ले आए कि चलो ठीक है यार, वो जाम दिखाई दे रहा था 28 मिनट्स बहुत होते हैं यार, 28 मिनट अगर गूगल दिखा रहा है तो इसका मतलब कि कुछ लंबाई कुछ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ले आए ये, बल्कि आराम से हम लोगों को वापस उसी रास्ते पर मिला देगा, अब देखते हैं कितना लंबा है, मगर रास्ता बड़ा प्यारा है, बस थोड़ा सा ना जो रास्ता है वो भीड़ा है और गाड़ियाँ दोनों तरफ से आ रही हैं, मगर चल जाएगा काम। भाई अब हम आ गए हैं घग्गर रिवर पे, उसे गांव से होते हुए आ रहे हैं, और ये जो दिख रही है घग्गर रिवर है पूरी की पूरी, और समस्या ये है कि पुल है बहुत छोटा, सिंगल गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो उधर से पहले वो गाड़ियाँ आएंगी फिर इधर से गाड़ियाँ निकलेंगी, तो एक ही गाड़ी निकल सकती है एक टाइम पे। और ये भाई साहब जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी हुई है, मैं मतलब उधर से चांस भी था निकालने का, मगर भाई साहब ने उनको रास्ता दे दिया, चलो हो सकता है कि ज़्यादा ज़रूरत हो उनको डिपर लगा दी हूँ, तो अब हमारा नंबर पड़ेगा जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये घग्गर रिवर भी आ गई रास्ते में, तो बढ़िया है जी, ये देखो, हेलो जी, आप तो सी फड़ो, बंद कर लो या चला, जो चालू हुआ हूँ मैं, तो वो गांव से भाई बाहर आ चुके हैं अपन, और अभी ये रास्ता स्टार्ट हो गया है, और अभी भी दिखा तो वही रहा है कि भाई अपन पहुंच जाएंगे 4:28 तक, मतलब वही 4:30 बजे तक बता रहा है मनाली पहुंच जाएंगे। ये सिंगल रास्ता है तो थोड़ा आराम से चलें इस वाले रास्ते पे, और पता नहीं कितना बड़ा सिंगल रास्ता है, समझ में नहीं आ रहा, और यही मेन रास्ता है या नहीं है, क्योंकि मैं गाँव से निकला था तो पता नहीं किस रास्ते पे इसने चढ़ाया है। मैं देख भी रहा था गूगल पे ना कि भाई देखूं जरा कोई और रास्ता दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, मगर कोई और रास्ता दिखाया नहीं,
रास्ता यही दिखा रहा है, तो हो सकता है यही मेन रास्ता हो, काफ़ी गाड़ियां हैं इस पे, आगे चल के समझ में आ ही जाएगा। तो जी चंडीगढ़ क्रॉस कर लिया है, रूपनगर की तरफ बढ़ रहे हैं और टोटल हमारी गाड़ी चल चुकी है 2:45 और टाइम हुआ है अभी 11 बजे हैं। तो अपन 7 बजे निकले थे, 8, 9, 10 और 11, तो हमको हो गए 4 घंटे और 4 घंटे में तकरीबन 245-250 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं। बहुत बढ़िया सर, बढ़िया एकदम एवरेज निकल रही है। और जो टाइम दिखा रहा है अभी भी वही दिखा रहा है कि भाई 4:25 पे अपन पहुंच जाएंगे मनाली। तो देखते हैं, अभी तक तो थकान बिल्कुल नहीं हुई और हमने कोई स्टे भी नहीं लिया है, बस थोड़ा सा रास्ता ऐसा आ गया था कि मगर ठीक हुआ, अच्छा ही हुआ कि हम टाइमली उस रास्ते से बाहर भी आ गए हैं। छोटा था रास्ता, छोटा मोटा पैच तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, इसलिए गूगल आंटी ने हमें बाहर की तरफ निकाला कि भैया इस तरफ से निकलो, क्योंकि कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस थे। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो जी, हम अपना फर्स्ट हॉल्ट ले रहे हैं और ये हमने हॉल्ट लिया है 260 किलोमीटर के बाद में, और रूपनगर इज ए प्लेस, उससे पहले ये आती है हेरिटेज हवेली, वहाँ पे हमने हॉल्ट लिया है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, मैं अब गाड़ी चल चुके तकरीबन 50,000 किलोमीटर मेरी, तो इसके रिव्यू भी हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम लोग बाहर निकल रहे हैं इस गाड़ी में, तो इसका रिव्यू भी मैं आपको ज़रूर दूंगा कि गाड़ी कैसे चल रही है, क्या माइलेज दी है, कैसे की है। एक्चुअली मैंने इसमें CNG इंस्टॉल करवाया है, तो CNG अभी तक बहुत बढ़िया माइलेज दे रही है, ठीक है, और तकरीबन 15 का माइलेज मुझे दे रही है अभी CNG, और मतलब 15 वो दिखाते हैं, माइलेज बहुत ज़्यादा होती है CNG की। और इसके अलावा बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी, टच वुड, बहुत स्मूथ चल रही है, ठीक है। और पहाड़ों पे तो फिर बताऊंगा मैं आपको कि कैसी है कैसे नहीं है। तो यहाँ हमने एक छोटा सा होल्ट लिया है, अब यहाँ पे अपना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अभी टाइम हुआ है 11:26, तकरीबन 12 बजे तक निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ से। और अब ये आ गया है रोपड़ वाला, क्या बोलते हैं अपना, टोल। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या इस पे लगता है टोल अपना। मेरे अकॉर्डिंग कहीं लिखा नहीं है यार, तो बता नहीं पाऊँगा, मगर ये हमारा फोर्थ टोल है इसके ऊपर ना। और जी हम निकल चुके हैं, तकरीबन हम 12 बजे निकल गए थे और अब बज गए हैं 12:13। तो हमने अपना एक छोटा सा ब्रेक लिया आधा घंटे का, क्योंकि ब्रेक हमने लिया नहीं था, तकरीबन 260 किलोमीटर पे हमने ब्रेक लिया था और अब हम 275 टोटल चल चुके हैं। मतलब हमने और वही 10 मिनट में तकरीबन 10-12-15 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं। तो अब कोशिश ये करेंगे कि भाई अगला ब्रेक हम लें 2:30 बजे के आसपास, थोड़ा गाड़ी को खींचते हैं, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि 2 बजे के आसपास तो खाना खाने के लिए फिर लंच करना ही है। तो हाय बच्चा, पार्टी हैप्पी? चलो जी हैप्पी, दोस्त बच्चे हैप्पी, सब हैप्पी। तो मिलते हैं अभी बीच बीच में। वैसे एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं, दिखाता हूँ, मगर पता नहीं ये कैमरा इतना जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, मगर मुझे माउंटेंस दिखाई देने शुरू हो गए हैं और अच्छा लगता है यार, जब भी आप माउंटेन की तरफ जाओ और माउंटेन जब दिखाई देते हैं ना, तो एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि चलो यार हम नज़दीक जाते हैं, जा पा रहे हैं माउंटेन्स के। देखो एक्साइटमेंट में ना पता नहीं बोलना क्या चारों निकल के आ रहा है। एनीवे आप इंजॉय कीजिए रास्ते को और पूरा व्लॉग देखना यार, साथ में बने रहना, रास्ते बहुत प्यारे हैं, मस्त वाले। और अभी बचा है हमारा 217 किलोमीटर, मात्र 217 किलोमीटर, एंड इट विल टेक एग्जैक्टली फाइव आवर टू रीच। तो 5 तो नहीं लगेंगे, तकरीबन 6-6.5 घंटे लगने चाहिए, बीच में हम लोगों ने एक स्टॉपेज भी लेना है। दोस्तों टाइम हुआ है 1:37 और लास्ट टाइम आपसे बात करें तकरीबन 1.25 घंटा बीत गया है, और भाई साहब 1.25 घंटे में हम मात्र चले हैं 11-12 किलोमीटर। और उसके पीछे रीजन क्या था कि अपनी गाड़ी में हो गया था पंक्चर और टायर कट गया पूरा, और टायर कटने की वजह से उसमें डलवानी पड़ी है ट्यूब,
ट्यूब का इंतजाम किया, उसमें ट्यूब डलवाई और उसके बाद निकले हैं। काफ़ी दूर पंक्चर वाला भाई मिला था, खैर मैंने स्टपनी चेंज कर ली थी, स्टपनी थी मेरे पास में, मगर फिर उसके बाद में जो टायर पंक्चर हुआ था उसको भी ठीक कराना ज़रूरी था, तो उसमें टाइम लगा। पर ठीक है, इस हाईवे पे एक चीज़ और अच्छी ये है कि भाई आपको जगह जगह पे ना टायर पंक्चर वाले लोग मिल जाएंगे। मतलब मैं देख रहा हूँ हर 10-15 मिनट पे टायर पंक्चर वाले लोग मिल रहे हैं, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो आपकी हेल्प भी कर देते हैं, और वो जेन्युइन से उन्होंने पैसे लिए। मतलब वो जो टायर कटा हुआ था उसमें उन्होंने पंक्चर भी लगाया, ट्यूब जो लेके आए थे वो ट्यूब उन्होंने उसमें डाली। उसके बाद मैंने टायर क्वालिटी पल्टी कराया, क्योंकि ऑलरेडी आगे वाला टायर था पंक्चर हुआ था, तो आगे मैं वो ट्यूब वाला टायर लगाना नहीं चाहता था, तो मैंने उसको पीछे करवाया फिर, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या हुई है, मैं चाहता तो स्टपनी को लगे रहने देता, मगर स्टपनी मेरी गाड़ी में है 13 इंच की, और जो एक्चुअल टायर हैं वो टायर हैं 15 इंच के। तो कंपनीज ना आजकल बड़ा अजीब सा ये चीज़ें कर रही हैं कि स्टपनी छोटी दे रही हैं सारी कंपनीज, नोट टाटा ओनली, ठीक है, सारी कंपनीज मैंने सुना है कि भाई वो स्टपनी छोटी दे रही है मैक्सिमम कंपनीज, और बाकी टायर के कंपैरिजन में बहुत छोटे स्टपनी होते हैं। मेरे अगर मैं अपने बारे में देखूं तो तकरीबन 2 इंच छोटी स्टपनी थी, तो उसको चला के मैं रेगुलर चल नहीं सकता था इतना लंबा, और इसी वजह से मुझे टायर को उल्टा पलटी भी करानी पड़ी, आगे पीछे भी कराना पड़ा, और ट्यूब भी डलवानी पड़ी। खैर एनीवे, अब कोशिश करते हैं कि अब कंटिन्यू चलते रहे हम। अब टाइम हो गया है 1:39 और हम चल चुके हैं 292, और अभी जो बचा है वो बचा है 202 किलोमीटर, और अब हम लोगों को टाइम दिखा रहा है 6:22, जो टाइम हम लोगों को पहले दिखा रहा था 4:20, और फिर उसके बाद हमें दिखाया था जब हमने होल्ड किया था 5:30, अब वो टाइम बढ़ के हो गया 6:22। तो अब देखते हैं कि क्या करेंगे, अगर ज़्यादा लेट हो रहे होंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं स्टे करेंगे उसके अंदर। और देखिए सामने आपको माउंटेंस दिखाई देने शुरू हो गए होंगे, तो अब ऑलरेडी 300 किलोमीटर हम क्रॉस कर चुके हैं, CNG पे चल रहे हैं अभी भी, और रास्ता बचता है 188 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये कोई टोल प्लाजा आने वाला है 1 किलोमीटर के बाद, वो भी बताता हूँ कि भाई वो कितने रुपए का है, क्या है, कैसे है, वो भी बताता हूँ। तो जी ये अब हम पहुँच गए हैं, हमारा मेरे ख्याल से दिन का 5वां टोल है, और इसका जो टोल का जो चार्जेज हैं वो है 150 रुपीस। तो ये 5वां टोल है अपना। तो भाई हिमाचल हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ पे 50 रुपये का हमारा टोल कटा था, और उसके बाद ये पहली टनल आ गई है, तो बच्चा पार्टी इज़ वेरी हैप्पी टू सी द टनल, और ये टनल नंबर 1 है। और ये आया हमारा 6ठा टोल, मेरे ख्याल से 6ठा या 5वां 6ठा टोल है, और 65 रुपीज़ यहाँ पे कटने चाहिए हमारे। देखिए इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो प्लीज़ यार चैनल को ना, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है, ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। सब्सक्रिप्शन ना बढ़ नहीं रहे हैं यार, सब्सक्रिप्शन बढ़ा दो, मुझे पता है मैं वीडियो कभी कभी डालता हूँ, बट फिर भी यार आपसे ये उम्मीद तो मैं लगा ही सकता हूँ ना कि आप सब्सक्राइब ज़्यादा करोगे। प्लीज़ बढ़ा दो, लाइक करो, शेयर करो। और हम पहुंच चुके हैं समवेयर अराउंड, वो ट्रिप कर दिया था मैंने, ठीक है, जब मैं पेट्रोल पे आया था तो वो तब मैं 332 था, और उसके बाद में मैं 41 किलोमीटर और चल चुका हूँ, तो ये हो गए हैं 372-73 किलोमीटर, है ना, तो 372 किलोमीटर हो गए हैं, और मनाली अभी बचा हुआ है, इस हिसाब से मनाली मेरा बचना चाहिए समवेयर अराउंड, लोकेशन वो दिखाई नहीं रहा, चलो अपने गूगल पे देखते हैं, गूगल थोड़ा सा अभी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, तो 146 बचा है मनाली, तो ठीक है बढ़िया चल रहे हैं। और यहाँ अब मैं चल रहा हूँ पेट्रोल पे, मैंने कर ली है गाड़ी जैसे हिल स्टार्ट हुए थे, तो यहाँ पे ऊपर नीचे अप डाउन में 15 की एवरेज दे रही है गाड़ी, ठीक है, हिल्स में 15 की एवरेज इज़ ओके, वेरी गुड। तो देखते रहिए आप, और ये देखिए मैं बाहर का एक नज़ारा आपको दिखा देता हूँ, मैं 11 साल बाद मनाली आया हूँ। अभी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे थे कि कब आए थे कब नहीं आए थे, बातें कर रहे थे, तो मैडम ने मुझे बताया कि भाई हम 11 साल बाद मनाली आ रहे हैं,
हम 2013 में मनाली आए थे विनीता जी, 2013 में मनाली आए थे। अच्छा जी, 2013 में मनाली आए थे, उसके बाद हम अब आ रहे हैं। और दिन रात का फ़र्क है भाई, रास्ते वस्ते बहुत अच्छे बन गए हैं, ठीक है, आराम से आप आ सकते हो, गाड़ी एकदम मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा सा जाम हम लोगों को पीछे मिला था और उसमें आधा पौना घंटा हमारा लग गया, बट उसके बाद ठीक है। वहीं थोड़ी सी गाड़ी गर्म भी हो गई थी, मगर ठीक है, वो ठीक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 2 मिनट का काम था। हो जाता है ट्रैफिक में थोड़ी बहुत गाड़ी गर्म हो ही जाती है। तो अभी तक रिव्यू इज ओके, गाड़ी का रिव्यू अगर मैं बोलूँ तो ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रही है गाड़ी, नो इशू। तो भाई हम आ गए हैं सुंदर नगर और टाइम हुआ है 4:12। वैसे हमें सुंदर नगर पहुँचना चाहिए था तकरीबन 2 बजे के आसपास, हाँ। और अंदर की तरफ से रास्ता करा है, मोड़ा है, पहले बार बार एक रास्ता है मगर आज वो रास्ता बंद था क्योंकि ट्रैफिक मिल गया था रास्ते में, मैंने बताया था, और एक पंक्चर भी हो गया था गाड़ी में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। बाकी सब ठीक है और देखते हैं कहीं कुछ रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं। बच्चों ने बीच में कुछ खा तो लिया था मगर अब फिर कह रहे हैं भूख लगी है, खाना दो खाना दो दाना दो, लेते हैं कुछ। ओ सुंदर नगर में घुसते ही मिल गया जाम, 12 मिनट का जाम हमें दिखा रहा है और दिखना शुरू भी हो गया है कि हाँ भाई जाम तो है, आगे दिखाई दे रहा है, बट हम कहीं रुकेंगे अभी, कोई अच्छा सा ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट ऑनलाइन कुछ मिल जाए। पता नहीं अंदर से क्यों निकाला, बाहर बाहर से वरना रास्ता है काफ़ी अच्छा ना, वहाँ से जा सकते थे मगर अंदर से निकाला है, तो चलो एनी वे वो बाहर का रास्ता बंद है, कुछ काम वाम चल रहा होगा। हाय फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए निहारी का चंद्र? सुंदर नगर। अपन पहुँच गए हैं सुंदर नगर और हम रुके हैं यहाँ पे हंगरी पॉइंट पे। और एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी आपको, ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधा मनाली जा रहा है और ये वाला जो रास्ता है ये दिल्ली जा रहा है, ठीक है, चंडीगढ़। और ये हंगरी पॉइंट है यहीं पे। अब एक इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी ना करें इस लेन में, इस लेन में गाड़ी खड़ी करना पाप है भाई, वो सफ़ेदपोश लोग आ जाते हैं, पुलिस वाले अंकल, और यहाँ पे चालान काट जाते हैं। वो मैंने उस साइड गाड़ी लगाई है, इन्होंने मुझे बताया कि भाई देखो उस साइड वाला जो एरिया है पूरा का पूरा वो पार्किंग वाला एरिया है और 20 रुपये पार्किंग है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। तो वहाँ पे एक पार्किंग वाले भैया होते हैं, पता नहीं कहाँ बैठे होंगे इस टाइम, छावाओं में कहीं होंगे, उन्होंने 20 रुपये लिए, 20 रुपये की पर्ची मुझे दी उन्होंने प्रॉपर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पर्ची 20 रुपये की। और पार्किंग में वहाँ गाड़ी लगवाई और अब हम लोग पहले कुछ खाते हैं, उस खाते खाते अब ये डिसाइड करेंगे कि भाई यहाँ रुकना या आगे मंडी जाना है, तो यही डिसाइड करना हम लोगों को कि भाई चल करना क्या है अब, क्योंकि ऑलरेडी रास्ते में इतना जाम वाम मिला ना, तो 1.5 घंटा हमारा वहाँ ख़राब हो गया, वरना मूड में ये था कि भाई डायरेक्टली सीधा हम लोग मनाली चलते हैं और वहीं पर रुकेंगे सीधा। बट अभी मनाली का दिखा रहा है 8 बजे रात को और ये तब है जब वो अभी दिखा रहा है, अगर बीच में कोई ट्रैफिक हुआ तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, खाते हैं पीते हैं और डिसाइड करते हैं। बच्चा पार्टी ऑलरेडी अंदर बैठी हुई, ऑर्डर दे दिया? हाँ जी ऑर्डर दे दिया, चलो जी इन्होंने ऑर्डर दे दिया, अब ऑर्डर आएगा खाएंगे पिएंगे। अच्छा सा कैफ़े है, बैठने की जगह है, उधर भी है दैट साइड आल्सो। तो जी ये मंगाया कुछ, बड़ा टेम्पटिंग सा यार खाने को, खाने को तो बड़ा मस्त है बिल्कुल एकदम ना झकास जिसको बोल रहे हैं। ये तो सब पहचान गए होंगे, ये भी सैंडविच है, ये फ्रेंच फ्राइज हैं, ये कोई वैप है और ये गार्लिक ब्रेड है, मस्त है जी बढ़िया। ये किसका ऑर्डर था, तेरा था परी? सबका कंबाइंड ऑर्डर था। और ये तेरी दुकान खुली है दिखा, यस। तो डिसाइड ये किया है हम लोगों ने कि भाई हम रुकने वाले हैं मंडी, तो मंडी में देखेंगे कोई होटल, पहले मंडी तक पहुंच जाते हैं, फिर ऑनलाइन खोलते हैं, देखते हैं क्या सस्ता सुंदर टिकाऊ जो मिलेगा, उसके बाद मंडी रुकेंगे और उसके बाद सुबह हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अब खाना पीना हो गया हमारा, सब स्टटर पटर हमने ख़त्म कर दिया, देखिए अब उसके बाद अपन यहाँ से निकलेंगे और सीधा मंडी जाएंगे और मंडी में रुकते हैं, कोई होटल लेकर रुकते हैं, कोई देखते हैं, कोई अच्छा सा रिसोर्ट लेते हैं, होटल लेते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी लेंगे और उसके बाद में कल सुबह के लिए मनाली के लिए रवाना करेंगे। भाई पूरा दिन में अब छांव दिखाई दी है रोड के ऊपर, अदरवाइज छांव, अदरवाइज भाई सब छांव नहीं थी,
और अब टाइम हो गया है 5:35 जी हाँ, और मंडी पहुंचने वाले हैं। 23 मिनट दिखा रहे हैं हमें मंडी के, 23 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे, 10 किलोमीटर दूर है, और फिर वहीं जाके मिलते हैं। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि हम मंडी रुकेंगे, तो हम मंडी ही रुके हैं आके, और यही डिसाइड किया था कि मंडी रुकेंगे। काफ़ी देर हो गई है, वैसे एक मेरा दोस्त है उसके घर चले गए थे, तो 1.5 घंटा वहाँ पे, बल्कि ज़्यादा ही हमारा टाइम वहाँ बीता, और उन्होंने एक होटल करा के दिया हम लोगों को। ये पारस होटल है, बिल्कुल मंडी और मनाली वाला जो मेन रास्ता है वो है। और भाई क्या व्यू है यार यहाँ से, ये देखिए। शाम हो चुकी है तो आपको थोड़ा 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 आपको दिखाई दे रहा होगा। न्यारी का अच्छा है, मज़ा आया। दिस इज द व्यू। और ये नीचे बिल्कुल मेन रोड पे, और वो खड़ी है अपनी गाड़ी। तो ये है जी अपने होटल की लॉबी, और ये 3rd फ्लोर पे हैं हम लोग। ये नीचे देखा पूरा ऐसे, तो एक रूम ये है 301, और दिस इज़ 302 जहाँ हम रुके हैं। मैं अंदर का आपको दिखा, थोड़ा मैसी हो गया है तो प्लीज़ यार वो देख लेना, काफ़ी मैसी हो गया। तो इन्होंने बैठने के लिए अपना दिया हुआ सामान, ये सारा बैठने का तो काम बाद में आएगा, पहले हमारे सामान रखे गए हैं। और दिस इज़ द बेड, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये अपना एक बेडिंग यहाँ आ जाएगी, टीवी है साथ में एसी है, और जो मैंने आपको बालकनी का व्यू दिखाया था वो व्यू है दिस वन। तो अब हम जा रहे हैं मंडी घूमने, और अब मंडी हम आ गए हैं। यहाँ पे कोई ना गर्ल्स स्कूल है, उसके पास में ये मिलते हैं भैया दही बूंदी, तो हमने ये दही बूंदी ले ली है। और इसी के साथ साथ नितेश जो मेरा दोस्त है उसने मुझे बताया कि भाई यहाँ कचौड़ी और दही बूंदी ज़रूर खानी है, उसी के रेफरेंस पे हम लोग यहाँ दही बूंदी और कचौड़ी लेने आए हैं। अब लेते हैं कचौड़ी। एक प्लेट कचौड़ी कर दीजिए। कितनी सर? एक प्लेट कर दो, एक ही पीस। हाँ अगर खानी हो खा लेंगे, अभी खा लेंगे हाथों आते। नहीं लगेगा, यहाँ घड़े नहीं उड़ने देते, टाइम इतना ही लगेगा जितना खाने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो एक काम करो आप ना, हाँ इस तरीके से दे दो कि गाड़ी में खा लें हम लोग। भाई इनके चलान में तो हम भी नहीं कहेंगे ना कि इनका चलान हो। और मैं हूँ बिल्कुल एकदम, ये मंडी की मेन मार्केट है, तो मैं यहाँ रुका हूँ, ये मंदिर है यहाँ पे। और जैसे आपने देखा कि मैंने लिया था मैंने लिया था बूंदी, दही बूंदी, और मैंने लिया था कचौड़ी। मैंने दो चीज़ ली थी, और हम यहाँ आके मार्केट में इसको खा रहे हैं। भाई कैसा लगा? हाँ जी कैसा लगा, कौन सी चीज़ अच्छी लगी है? ये दही बूंदी और ये कचौड़ी। यहाँ डिफरेंट टाइप की कचौड़ी है यार, ये मतलब नॉर्मल नहीं है, ये काफ़ी बड़ा सा है रोटी टाइप का, और उसमें अचार के साथ में इसको खा सकते हैं, और ये दही बूंदी।